हे गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, पार्ट वन वीडियो में डॉक्टर स्ट्रेंज का फेस कैसे कलर करोगे वो दिखाया था। तो इस पार्ट टू वीडियो में बाकी वर्क को कंप्लीट करते हैं। और हाँ, पार्ट वन वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ गाइस, रेफरेंस फोटो भी आपको वही पर मिल जाएगी। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, हेयर्स को बनाने के लिए पहले डार्क ब्राउन कलर से हेयर्स के स्ट्रोक्स जैसे है वैसे ही देना होगा। और उसके बाद ब्राउन कलर के ऊपर ब्लैक कलर को अप्लाई करना ऐसा करके। और ऐसे कलर को अप्लाई करने के बाद हाईलाइट करने के लिए आप लोग इस अप्सरा ग्लास मार्किंग व्हाइट पेंसिल को यूज कर सकते हो। अगर ए वाला पेंसिल आप लोगों के पास नहीं है तो व्हाइट ऑयल पेस्टल को भी यूज कर सकते हो इसके बदले। मैं यहाँ पर दोनों ही यूज करके दिखाती हूँ। तो हेयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और अभी ड्रेस को कलर करने के लिए पहले मैं वर्मिलियन कलर को यूज कर रही हूँ। और अभी इस वर्मिलियन कलर के ऊपर कैरामिन कलर को दे रही हूँ। और अभी ब्लैक कलर देके हल्के हाथ से इसको ब्लेंड कर देना। यहाँ पर ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, शेडोज वगैरह देने के लिए ब्लैक कलर को हल्का हल्का करके ब्लेंड कर देना। और गाइस, लास्ट में हाईलाइट देने के लिए मैं यहाँ पर 10 mm हाईलाइटर जेल पेन को यूज़ कर रही हूँ। जिस जिस जगह पर ज़्यादा हाईलाइट है वहाँ पर आप लोग इस हाईलाइटर पेन को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, देख सकते हो ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा ये ड्राइंग, ये कमेंट करके ज़रूर बोलना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।